नमस्कार, मैं डॉक्टर अपार अग्रवाल, एक लंग्स स्पेशलिस्ट व इंटरवेंशनल पल्मोनिस्ट। आई एम अ प्रैक्टिसिंग चेस्ट फिजिशियन इन मेरठ फॉर लास्ट 3 ईयर्स। इनिशियली आई हैव बीन वर्किंग इन मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत इन न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ एलर्जी। क्या है ये एलर्जी? हम सुबह से शाम तक सुनते हैं कि उसको एलर्जी वाली खांसी हो गई, ब्रोंकाइटिस हो गया, किसी को एलर्जी वाला नज़ला, साइनोसाइटिस हो गया, तो किसी को एलर्जी वाला दमा यानी सांस की दिक्कत या दमे की शिकायत हो गई। तो एलर्जी होता क्या है? एलर्जी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे गॉड ने हमारा सबका बॉडी बनाया। बॉडी बहुत सेंसिटिव है, सबको एक चीज़ सूट नहीं करती। किसी को बदलते मौसम से दिक्कत होती है, तो किसी को कोल्ड यानी एसी या कूलर की हवा सूट नहीं करती, तो किसी को कुछ स्पेसिफिक खाने की चीज़ें जैसे ड्राई फ्रूट्स या खट्टे से खाते ही गला पकड़ लेता है या खांसी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से होने वाली तकलीफ़ों को एक नाम दिया, एक शब्द दिया गया जिसको एलर्जी का टर्मिनोलॉजी देते हैं। क्या इसके साइन सिम्टम्स होते हैं, कैसे पहचाने कि हमें एलर्जी है? बहुत आसान है। अगर किसी को सुबह उठते ही अचानक से छींकें आ जाना, नज़ला हो जाना या नाक बंद हो जाना या नाक बहते रहना, साइनोसाइटिस, ये एक एलर्जी का सिम्टम होता है। किसी को बदलते मौसम से, सर्द गर्म हुआ, बारिश का मौसम हो गया, एकदम से सांस की दिक्कत डेवलप होना, साएं साएं जैसा छाती में भारीपन हो जाना बदलते मौसम के साथ, एक फॉर्म ऑफ एलर्जी है जिसको एस्थमा भी बोला जाता है। किसी को खाना खाते ही या ड्राई फ्रूट्स लेते ही या हो सकता है कोई जूस पीते ही अचानक बैठे थे और खांसी शुरू हो गई, सूखा दस्का इतना ज़्यादा कई बार होता है कि छाती दुख जाती है, किसी किसी को सांस की दिक्कत तक हो जाती है, अचानक से धसका हो जाता है। उस अचानक से होने वाले धसका यानी ब्रोंकाइटिस को भी एलर्जी की टर्मिनोलॉजी दी जाती है। तो ये कुछ बेसिक से सिम्टम्स होते हैं। किसी की एलर्जी स्किन की भी हो सकती है, खुजली के साथ आपके सिम्टम्स हो सकते हैं, आपने कोई कपड़ा पहना, परफ्यूम लगाया, नज़ला, खांसी, इचिंग शुरू हो गया। सो दीज आर वेरी बेसिक साइंस और सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। अब इसको पहचानना हमने सीख लिया, इसके सिम्टम्स क्या हैं ये हमने सीख लिए, कैसे इससे बचें? इससे बचने का एक ही तरीका है, आप अपने ट्रिगरिंग फैक्टर्स को पहचानेंगे। ट्रिगरिंग फैक्टर ये जो शब्द है, इस शब्द का मायने ये होते हैं कि एक ऐसी वस्तु या ऐसी चीज़ जो आपको सूट नहीं करती, जो आपको नुकसान पहुंचाती है, उसको ट्रिगरिंग फैक्टर बोला जाता है। वो ट्रिगरिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना कैसे करेंगे? बहुत आसान। अभी हम बैठे हैं, ठीक बैठे हैं, अचानक शाम को हमारी खांसी शुरू हो गई। बस इतना सोचिए कि पिछले 10 मिनट में मैंने ऐसा क्या करा कि मुझे धसका उठ गया? क्या मैंने कुछ खाया? क्या मैंने कुछ पिया? क्या मैं कहीं बाहर प्रदूषण से बिना मास्क के कहीं धूल मिट्टी से होके आया? या कोई ऐसा तो नहीं मेरे आसपास किसी को खांसी नज़ला था और मुझे शुरू हो गया? बस उस चीज़ को पहचानिए आप। इसी तरह से हम अपने ट्रिगरिंग फैक्टर्स को पहचान सकते हैं। इसके बाद भी लगता है कि हमें सिम्टम्स भी आ रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया, और हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन बीमारी समझ में नहीं आ रही, तो ज़रूरी नहीं वो एलर्जी हो, उसके अलावा कोई और भी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। तो एक सही जांच, सही बीमारी पकड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी हमें लगता है कि हमें तकलीफ़ ज़रूर है, आपने हमें समझा, सुना, उसके बाद भी अपनी तकलीफ़ का आपको जवाब नहीं मिल पाया, तो उस चीज़ के सही डायग्नोसिस के लिए आप अपने लंग्स स्पेशलिस्ट या अपने नियर बाय जो भी आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं, आप उनसे मिलिए, अपने लक्षण को खूब अच्छी तरीके से उनको बताइए, ताकि वो आपकी बीमारी पकड़ने में, आपको हेल्दी रखने में, आपकी फैमिली को सेफ रखने में आपकी मदद कर सके। खुश रहिए, सतर्क रहिए, कोशिश कीजिए जितने भी क्राउडेड एरियाज़ हैं उनसे बचें, अपना मास्क लगा के रहें, एक सोशल डिस्टेंस का पालन करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरह से हम अपने आप को और अपनी फैमिली को रूटीन एलर्जिक प्रॉब्लम्स या डस्ट या प्रदूषण से होने वाली परेशानियों से बचा सकेंगे, अपने हेल्थ के एक्सपेंसेस को कम कर सकेंगे, और एक अच्छे डाइट, अच्छे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का
इनटेक करके हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, ताकि इस तरह की रूटीन में होने वाली समस्याएं आपको ज़्यादा तकलीफ ना करें। तो उम्मीद है हमने इतनी वार्तालाप आपसे की, इतनी बातें आपसे करी, आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, आपकी जागरूकता बढ़ी होगी अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति। इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेरीज हैं, कोई सवाल हैं, आप इन्हीं सब तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी ज़रूरत और समय अनुसार हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू।